आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है उबंटु। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे हम इसका। उबंटु इज ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद मोर देन 20 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड। ये आपका फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मीन्स इसका कोड आपको अवेलेबल होगा, आप इसके कोड को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, फ्री है, और इसके 20 मिलियन यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड। उबंटु इज ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन डेबियन। ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डेबियन में मोस्टली आपके फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं, कंपोज्ड ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उबंटु जो ऑफिशियली रिलीज हुआ है वो 3 एडिशन में हुआ है, डेस्कटॉप के लिए, सर्वर के लिए, और IoT डिवाइसेस के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। तो उबंटु का थोड़ा इंटरफेस कैसे दिखता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके लिए मैं एक इमेज भी साथ में अटैच कर रहा हूँ। ये है वो इमेज, और ये इसका लोगो है। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। इनके काफ़ी सारे एडवांटेज लिनक्स की तरह ही है, क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, सेकंड ओपन सोर्स। ये जो मेजर वाले हैं, एक यूज़र को इफेक्ट करने वाले हैं, इजी टू यूज़ एंड इंस्टॉल, ब्यूटीफुल, स्लीक एंड स्टाइलिश। इससे पहले जो वेरिएंट आते थे लिनक्स के, वो इतने स्टाइलिश नहीं होते थे जितना कि उबंटु है। इट्स स्टेबल एंड फास्ट। एंड नेक्स्ट इज उबंटु इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिक्योर भी है, इट इज़ सपोर्टेड, इसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है हमारे पास, अगर कोई इशू आ जाता है हमारे पास। तो ये थे एडवांटेजेस। अब हम कवर करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। द डिस्प्ले डिमांड अडेप्टेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैंने बताया इसको कि ये कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, कुछ एक लोग ही हैं जो इनको यूज़ करते हैं। तो डिस्प्ले डिमांड अडेप्टेशन इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद आगे हमारा एप्लीकेशन आर रिलेटिवली फ्यू व्हेन कंपेयर विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसका कंपैरिजन करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं अपना काम करने के लिए। जैसे विंडोज़ के साथ हमें MS ऑफिस मिल जाता है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर जाते हैं। तो उतनी एप्लीकेशन हमें उबंटु पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है, मैंने बताया, जितना कि विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन है। लेस सूटेबल फॉर गेमिंग, ये गेमिंग के लिए भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज उबंटु के बारे में, और थोड़ा सा इसका डिटेल। यू कैन टेल अस योर फीडबैक एंड सजेशन एंड एनी डाउट इफ यू हैव एनी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।